ये सूत्र का जाता है लेवल के लिए। और बाकी ये वाले पोल जो दिए हमने, ये वाले आपको भर गए कंक्रीट। तो लो जी फाइनली अब जो बास्केट करते हैं फिट और जो किचन वाला काम आज कंप्लीट। वेलकम अगेन गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। यहाँ से करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और बाकी चलते हैं पहले बाहर और फिर आके पीते हैं गर्म गर्म चाय और चलते हैं बाहर। आप तो लो भाई हो गई दिन की शुरुआत और सूरज देवता भी निकला है, वो निकले सूरज देवता भी और टाइम अभी हो गया 8:30। और बाकी रहा आज कि जैसा कि आपने देखा कि आज हम जाएंगे, हम आज बेल्ट मैश की जो फ्रेम बन के बिल्कुल तैयार हैं, तो आज हम जाएंगे बेल्ट मैश की फ्रेम में लेकर जाएंगे वहाँ साइट पर और उनको करेंगे फिट आज। वहाँ पर भी कितना टाइम लगता है वो आगे ही लगेगा पता, क्योंकि पहले इसमें खड्डे लगाने पड़ेंगे और फिर एंगल के लगाएंगे इसमें पिलर और साथ में उसके पैनल जुड़ते जाएंगे बेल्ट मैश वाले। अब पंगा ये कि बीच में रखना, उन्होंने बोला जैसे बोला कि उन्होंने बीच में रखना गेट, तो गेट के लिए मैं देख रहा हूँ कि एंगल की जगह अगर हम 3x3 का पाइप वगैरह यूज़ करते हैं ना तो स्टिक तो फ्रेम हिलेगी नहीं और बढ़िया हो जाएगा स्ट्रक्चर गेट के लिए। गेट बार बार खुलेगा तो एंगल हल्का सा टिल्ट होता है तो और पाइप लग जाता है तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा गेट दोनों तरफ से। तो उसके लिए तो पहले ऑटो वाले को किसी को फ़ोन करना पड़ेगा और ऑटो मंगवा कर उसके बाद पैनल वहाँ लेके चलेंगे। और दूसरा जो किचन वाला काम है, अब यार किचन वाले काम में पंगा सिर्फ एक ही है कि अब फुल डे लगे रहा है, अब इलेक्ट्रिक के बीच में और काम भी अब लगातार वाला होता ना काम किचन वाला, अगर कि ठीक है बनकर तैयार है और अब उसको 3-4 दिन में फिट करना है तो कंप्लीट हो गया। अब रोज एक घंटा लग रहा रोज का, अब जाने को तो हम 5:30 बजे चले जा रहे हैं वहाँ पर, लेकिन 5 के बाद 7 बजे के बीच में इतना काम नहीं खींच पा रहे हैं उस टाइम में। और बाकी चलो आज जब बिल्डर मैश वाला काम खत्म हो जाएगा ना तो कल फिर बीच में एक दिन छुट्टी तो आ ही जाएगी कोई ना कोई, तब इसको निकाल देंगे। और बाकी चलो आज किचन वाला काम भी जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके जो ड्रॉअर वगैरह सेट करने हैं वो सेट करके और कल फिर उसके कैबिनेट फिट करने वाला काम बचेगा, ये ठीक रहेगा। तो अभी हमारा यहाँ पर 22 तारीख को ही लगा एक पूरा दिन, उस दिन छुट्टी थी तो उस दिन लग गया हमारा फुल डे तो उस दिन काम निकल गया, लेकिन उस दिन भी पंगा यही था कि हमने बीच में बेल्ट मैश वाला काम डाला हुआ था तो वो भी अब जल्दबाजी वाला काम था कि फटाफट तैयार करने हैं, उस चक्कर में चलो अब चला हुआ कोई बात नहीं। तो लो जी जैसे मैंने कहा था कि गर्मा गर्म पियेंगे चाय आकर, तो आगे गर्मा गर्म अपनी चाय अब चाय पीते हैं और आपसे सीधे मिलते हैं अब दुकान पर, तो ये ठीक रहेगा। और बाकी चाय पीने का मजा जो कप की जगह जो स्टील के गिलास में ना वो अपना मजा यार स्टील के गिलास में, तो आपसे मिलते हैं सीधा दुकान पर। तो आज लेके जाने बेल्ट मैश वाले चढ़ गए, तो ये पैनल निकालते पहले बाहर और ऑटो वाले को कर दिया फ़ोन, वो भी आ रहा तो तब उससे पहले हम इसका कर लेंगे वेट कर लेंगे और फिर इसको लोड करने में आसान हो जाएगा, पहले करके रख लेते हैं। तो ये लगा सामने स्केल रख दे। तो लो जी फाइनली सारा सामान रख गया हमारा, पहुंच गए यहाँ पर। अब यहाँ पर लगनी बेल्ट मैश वाली, यहाँ पर जो पहले खड्डे दिए हमने खड्डे यहाँ पर नीचे लोकल खड्डे निकाल लिए पहले खड्डे वाले, साथ में इसके यहाँ पर पूरा गेट सामने यहाँ से लगना ये वाला
और यहाँ आगे सीधा। तो अभी हो गया चाय का टाइम, तो चाय पीते हैं गर्मा गर्म। बाकी भैया कप में तो ठंडी होगी होगी। तो अभी लेबर के लिए आपको दिख रहा होगा हमने जेब में लगाया सूत, जो सूत लगाया जाता है लेबर के लिए, दिख रहा होगा आपको ये बंद हो गया। तार निकाली होनी तंत्र यहाँ पर खड्डे मार दिए, साथ में पैनल बेच लेंगे इसको जिस तरह से। तो जो आगे एंगल इसने लगाया जा रहा 1.5 इंच का एंगल घर ले हम सूट। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये पैनल मर लग के तैयार है। तो इस पैनल की हाइट है 5 फीट और 10 फुट लंबे जो बने हुए हैं पैनल, और इसमें 1.25 एंगल लगाया गया है और बीच में 40 बेल्ट मैश आ गई और ये इस तरह से। और काफ़ी इसकी हाइट है 5 फीट, काफ़ी अच्छा इसमें लग रही देखने में। जो बाउंड्री वॉल ये वाली फेंसिंग भी होगी और बाउंड्री वॉल भी होगी इसकी। लो जी फाइनली हमारी बेल्ट मैश की फेंसिंग पूरी होगी कम्प्लीट। अब यहाँ पर इनकी दीवार आ जाएगी आगे, और बाकी ये वाले पोल जो दिए हमने ये वाले यहाँ पर भर गए कंक्रीट, यहाँ पर पूरा कंक्रीट भर देंगे ये वाला। और ये बीच में आ जाएगा गेट। अच्छा बत्ते टाइम होइए था खाए भी आए पंगा इस पोल का पड़ रहा था, बिल्कुल तिरछा बिल्कुल पोल है, लेकिन पैदल फिट हो गया फाइनली। चलते हैं खाना खाना है, पहुंच के घर पे। और जारी बड़ी काली दाल आज साउथ माँ की दाल भाई। तो यहाँ पर पहुंच के खाना खाकर यहाँ पर डालनी है शीट ऊपर, तो यहाँ पर ये टॉयलेट है और यहाँ पर डालनी है शीट। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पाइप 1.5x1.5 का, ये वाला पड़ा हुआ 1.5x1.5 का पाइप वो पड़ा हुआ है। तो अभी इसमें हमने वो रखा हुआ अंदर इसका राफ्टर, मुझे आगे पर लेन। तो यहाँ पर ये शीट डालने के लिए पिक्चर बनना हो गया शुरू इस तरह से ना। तो हमारा जैसे यहाँ पर ये वाला काम ख़त्म होता है ना, तो फिर चलेंगे हम ना किचन वाले काम में। तो वहाँ पर भी टाइम अभी हो गया 5 बज गए हैं। तो ये स्ट्रक्चर वाला काम बचा, बेल्ट में सोल्ट काम हमारा हो गया सारा, ये बच्चे पनल वाला काम इसको करते हैं और फिर चलते हैं। अब यहाँ पर ये वाले डलर ऊपर पनल स्ट्रक्चर मारा बनेंगे पूरे ये वाला, लेकिन अभी इसमें सपोर्ट करने पड़ेगी बीच में। तो करते हैं क्लोजिंग। तो अब टाइम हो गया लगभग 5 बज गए हैं, तो अब चलते हैं किचन वाले काम में। ये बेड मैश वाला काम भी हो गया और साथ में ये रूफ वाला ऊपर वाला भी ये भी कंप्लीट हो गया। ये तो हमारा बिल्डिंग मैश वाला काम हो गया, अब चलते हैं मैंने बड़े काम में। अब मिलते हैं सीधा आपको कल, मैंने बड़े काम में तो लेट हो गया काफ़ी। तो अभी यहाँ से लेना था सामान टूल, ये लेते और फिर चलते हैं। यहाँ पर साइड पर अब 5:30 बजे हम यहाँ पर पहुँचे हैं, 5:30 एक 1.5 घंटे में इतना काम होगा, अपना काम खींचते हैं, बाकी संडे को रहेगा फुल डे।
तो चलते हैं फिर और टाइम हो गया लगे 8:15। तो चलो फिर चल लीजिए। तो लो जी पहुंच गए घर पे। अब एक बार हाथ में धोते हैं, लेकिन पानी बड़ा चिलड़ है तो डांट पड़ेंगे। तो आज बड़ा था, मेरे को आवाज लगा रहा, सिलेंडर लेके आना पड़ेगा उठा के। चलते एक बार सिलेंडर लेके आते उठा के। ओ भाई ठंडा दौड़ का पड़ेगा। तो चलते अंदर पीते चाय, ये चलते चाय पीते बंदे जाके बैठ करेगा। तो अब जी फिलहाल इसका जो स्क्रू है इसका वो गुम हो गया, वो नीचे कहीं गिर गया है। बोल तो रहा निंजा, क्या बोल निंजा, मिल गया। हाँ ये वाला यहाँ से पकड़ फोन। अब इसकी बैटरी भी चार्ज करनी पड़ेगी, बिल्कुल ये हो गई, इसकी बैटरी छोड़ गई है क्योंकि इसको कम से कम मैंने काफ़ी दिनों से इसको यूज़ नहीं किया है। कर लेंगे इसकी बैटरी चार्ज।